बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ब्लॉक 3 ऑफ क्लास 9 मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीक वी हैड डिस्कस लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। इन दिस वीक वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8 एंड लेक्चर नंबर 9 वी विल डिस्कस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। क्लास 9, टुडे वी विल लर्न यूनिट 3 लॉगरिथम and we will going to solve exercise number 3.3. Students, here we have the laws of logarithm. First law, log mn with base a is equal to log m with base a plus log n to the base a. Like agar aapke paas log ke baad two values ka product ho raha hai तो आप लॉग को दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट लिख सकते हैं और इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन। सेकंड लॉ है स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलरली कि अगर आपके पास लॉग के आगे टू नंबर्स क्या हो रहे हैं, कोशेंट है टू नंबर्स का, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप लॉग को पहले राइट करेंगे न्यूमरेटर के साथ, दरमियान में माइनस लगाएंगे, फिर लॉग को राइट करेंगे आप डिनोमिनेटर के साथ। स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ है अगर लॉग के बाद किसी भी वैल्यू की पावर होती है तो आप उसको लॉग से पहले राइट कर सकते हैं, लाइक लॉग m रेज टू पावर n टू द बेस a कैन बी रिटन एज n लॉग m टू द बेस a। नाउ स्टूडेंट्स, द फोर्थ लॉ, लॉग a n इज इक्वल टू लॉग n विद बेस b एंड लॉग b विद बेस a। इट इज नोन एज चेंज बेस रूल और चेंज बेस लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू सम और डिफरेंस। लाइक हियर वी हैव द पार्ट नंबर 1, लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, द प्रोडक्ट लॉ, इन विच लॉग एम एन इज इक्वल टू log m plus log n, so it can be written as log a plus log b। कि अगर log के आगे two values क्या हो रही होंगी, multiply, तो आप log write करके separate values के साथ दरमियान में कौन सा sign लगाएंगे, plus का। Now students, we have its second part, log 15.2 over 30.5। So students, by using the second law, it will be equal to log 15.2 minus log 30.5। लाइक अगर log के बाद आपके पास टू वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो आप दोनों वैल्यूज के साथ log को सेपरेट राइट करेंगे और दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स पार्ट नंबर 3, log थर्ड रूट ऑफ 7 ओवर 15। नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस log इनटू सम और डिफरेंट। सो स्टूडेंट्स, इट कैन बी रिटन एज 7 ओवर 15 होल रेज टू पावर 1 ओवर 3। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉग, अगर लॉग के बाद किसी वैल्यू की पावर होती है तो उसको लॉग से हम पहले राइट कर लेते हैं। सो 1 ओवर 3 को लॉग से पहले राइट किया। नाउ स्टूडेंट, लॉग के बाद टू वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिवाइड। सो बाय यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉग 7 माइनस लॉग 15, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। Now students, we are going to solve the part number 5, log 22 raised to power 1 by 3 by 5 raised to power 3. Now students, log के आगे two values क्या हो रही हैं, divide हो रही हैं, so log को दोनों values के साथ separate write करेंगे और दरमियान में कौन सा sign लगाएंगे, minus का। Now student, again log का law apply हो रहा है, log के बाद किसी भी value की अगर power हो तो उसको log से हम पहले write कर लेते हैं। So it will be written as 1 over 3, log 22 minus 3 को log से पहले write करेंगे, log 5, it is your required answer। Now students, we are going to solve the question number 2, express log x minus 2, log x plus 3, log into x plus 1 minus log into x square minus 1 as a single logarithm। लाइक स्टूडेंट, आपके पास अब ये जो लॉग है वो सम और डिफरेंस में रिटर्न है, आपने इसको सिंगल लॉगरिथम में राइट करना है। सो हियर वी हैव लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स प्लस थ्री इंटू
log into x plus 1 minus log into x square minus 1. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास 2 log से पहले राइट है. इसका मतलब बाय यूजिंग द थर्ड लॉ, अगर log से पहले कुछ रिटन है तो वो क्या होगा, log के बाद वाली वैल्यू की पावर होगी. सो इट कैन बी रिटन एज log x square. सिमिलरली स्टूडेंट, थर्ड टर्म में 3 log से पहले रिटन है, सो इट कैन बी रिटन एज log इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उसको आप सेपरेट राइट कर लें, और आपके पास जिन वैल्यूज के साथ माइनस है उनको आप सेपरेट राइट कर लें. लाइक लॉग एक्स था, इसके साथ प्लस था, आपने ये राइट की, फिर प्लस लॉग एक्स प्लस 1 होल क्यूब था, उसको आपने राइट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर आपने राइट किया और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपने राइट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, इसको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज कर लिया, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 होल क्यूब, इन दोनों टर्म्स में माइनस 1 कॉमन लिया, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर. स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, अगर आपके पास लॉग के आगे टू वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप क्या करते हैं, लॉग दोनों वैल्यूज के साथ सेपरेट राइट करके दरमियान में कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का. लाइक लॉग एम एन विल बी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एम एन, लाइक एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 होल क्यूब. सिमिलरली इन दिस ब्रैकेट स्टूडेंट्स, वही आपने लॉ अप्लाई किया है, लाइक लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एम एन, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स, अब देखें लॉग एम माइनस लॉग एन, और अगर आपके पास लॉग टू वैल्यूज के साथ सेपरेट राइट हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो वी आर गोइंग टू अप्लाइंग द सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, सो इट कैन बी रिटन एज लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, लाइक लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, सो इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Now students, we are going to solve the question number 3. Write in the form of single logarithm, like log 21 plus log 5. So by using the first law of logarithm, it can be written as log into 21 multiplied by 5. Like your product law tha, log mn is equal to log m plus log n. So it can be written as log 21 multiplied by 5. Now students, we are going to solve its part number 3. 2 log x minus 3 log y. Students, according to the third law of logarithm, अगर log से पहले कुछ आपके पास written हो, so it can be written as log x square. Like ये log के बाद जो value होती है उसकी क्या बन जाती है, power. So it can be written as log x square. Similarly, it can be written as log y cube according to the third law of logarithm. Now students, आपके पास log difference में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका quotient law apply होगा, log का second law. So it can be written as log x square over y cube. Now students, we are going to solve the question number 4. Calculate the following: log 2 with the base 3 multiplied by log 81 with base 2. Students, we know that log n to the base a will be equal to log n to the base b over log a to the base b. By using this law, students, we can write log 2 with the base 3 multiplied by log 81 to the base a, base 2, like log 2 over log 3 multiplied by log 81 over log 2. So students, we know that 81 aapke paas kya hota hai, 3 raised to power 4. According to the third law of log, 4 power hai, to usko hum log se pehle write kar lenge, so it can be written as log 4 log 3. Now students, log 2 log 2 ke sath cancel, log 3 ke sath cancel, remaining aapke paas kya reh gaya, 4, so it will be your answer. Now students, we are going to solve its part number 2, log 3 to the base 5 multiplied by log 25 to the base 3. Again students, by using the law, log n to the base a will be equal to log n to the base b over log a to the base b. Now students, it can be written as log 3 to the base 5 can be written as log 3 over log 5 by using this law,
And log 25 to the base 3 can be written as log 25 over log 3 by using this law. Students, log 25 है, so it can be written as 5 square. Log के बाद किसी भी value के अगर power होती है, तो इसको हम log से पहले write कर लेते हैं. So it can be written as log 3 over log 5 multiplied by 2 log 5 over log 3. Students, log 3 के साथ cancel, log 5 के साथ cancel. अब आपके पास remaining क्या रह गया? 2. It is your required answer. Now students, we are going to solve the question number 5. If log 2 is equal to 0.3013, log 3 is equal to 0.4771, log 5 is equal to 0.6990, then find the values of the following. Like log 32 ki aapne value find out karni hai. Students, log 32 hai aapke paas. It can be written as log 2 raised to power 5. According to the third law of log, agar aapke paas log ke baad kisi value ki power hoti hai, to wo log se pehle aap write kar lete. So it can be written as 5 into log 2. Now students, it is given in the question, log 2 की value आपके पास given है, that is 0.3013. So log 2 की जगह उसकी value put करेंगे, 5 को 0.3010 के साथ multiply किया. Here we have the answer 1.505. Now students, we are going to solve its part number 3, log square root of 3 into 1 over 3. Students, cancellation करेंगे, 3 3s are 9, 9 plus 1, 10 over 3. स्क्वायर रूट है, रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो स्क्वायर रूट की जगह पावर में क्या आ जाएगा? 1 ओवर 2. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉग के बाद किसी भी वैल्यू के अगर पावर हो तो उसको लॉग से पहले राइट कर लेते हैं. 1 ओवर 2 इंटू लॉग 10 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ. लॉग के आगे टू वैल्यूज क्या हो रही है? मल्टीप्लाई. सो इट कैन बी रिटन एज लॉग 2 प्लस लॉग 5. फिर 3 के क्वेश्चन में है, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस लॉग 3. नाउ स्टूडेंट्स, लॉग 2 की वैल्यू गिवन है 0.3010, वो पुट की. लॉग 5 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.6990, वो पुट की. लॉग 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, वो पुट की. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस माइनस करने से आपके पास आया 0.5229. अब इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.2615. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.